जिन लोगों को HTML CSS स्टार्टिंग से सीखना है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो वो बिल्कुल भी फ्री ट्यूटोरियल है, तो वहाँ पर जाकर लोग आप लोग अच्छे से HTML CSS स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो हमें बटन बनाने के लिए पहले दो फाइल क्रिएट करने की HTML CSS की, तो चलिए हम जाके पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर index1.html और दूसरी फाइल क्रिएट कर लेते हैं style1.css। ठीक है, ये दो फाइल हमने क्रिएट कर ली। अभी हम HTML फाइल पर चलते हैं। तो पहले मैं ये एरेस कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है। तो अभी यहाँ पर अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, HTML, और ये फाइल पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर पूरा सिंटैक्स हो जाएगा, HTML का स्निपेट आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर बॉडी में अपना क्लास क्रिएट करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर टाइटल देता हूँ बटन करके। ठीक है, लाइव ओवर लाइटिंग बटन। ठीक है, अब हम बॉडी में यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो पहले डिवीजन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर div क्लास बटन कर लेंगे। ठीक है, इतना करने बाद आपको इस div टैग के अंदर आपको लिखना है एक एंकर टैग क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एंकर टैग क्रिएट कर ली। अब एंकर टैग क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर स्पैन टैग क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्पैन टैग क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसा आपको चार बार क्रिएट करना होगा स्पैन टैग को। ठीक है, चाहे बस पेन टैग क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एंकर टैग के अंदर ही आपको लिखना होगा सबमिट। तो इतना करने के बाद हमको स्टैंडर्ड CSS की फाइल पे आ जाना है, क्योंकि हमारा HTML कोड इतना हो चुका है काफ़ी। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड CSS के अंदर हमको HTML को स्टाइल करना होगा। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं मार्जिन और पैडिंग को ज़ीरो कर लेते हैं। तो ये मार्जिन को ज़ीरो कर दिया हमने और पैडिंग को भी ज़ीरो कर लिया। मार्जिन और पैडिंग को ज़ीरो करने के बाद हम बॉडी टैग में स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉडी टैग लिख दिया है, अब यार हम बॉडी टैग के अंदर स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड ब्लैक। अब बैकग्राउंड ब्लैक करने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारे HTML कोड। ठीक है, तो गाइस ये रुक जाइए, अभी एक चीज़ करनी रहती है HTML में। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल के हेड के ऊपर आना है, यहाँ पर हेड के ऊपर यहाँ पर आपको लिखना है लिंक। लिंक करने के बाद यहाँ पर टैग में यहाँ पर लिखना होगा आपको style1.css। ठीक है, इतना करने के बाद आपको दोबारा से रन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, लिंक भी आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर आपको बटन के अंदर स्टाइलिंग करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हम बटन यहाँ पर हम पोजीशन कर लेंगे। रिलेटिव कर लेंगे। ठीक है,
डिस्प्ले इन नेम ब्लॉक कर लेंगे। इसके बाद हम बटन की पैडिंग को सेट करते हैं, कितना 10px 220px रख देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हमको इसको कलर कर देंगे, कलर रख देंगे इसका एज 03P9F4। इसका कलर करने के बाद इसको हम साइज फ़ॉन्ट साइज सेंड कर लेते हैं, रख देते हैं 60px। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन रख देते हैं नन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन रन करने के बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। अपर केस कर लेते हैं, ठीक। इतना करने के बाद हम ओवरफ्लो हिडन कर लेंगे और ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स का कर लेंगे, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग रख देंगे 4px। अब बारी है बटन की, तो यहाँ पर मार्जिन कर लेंगे 100px, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं हमारा बटन, तो यहाँ पर देखिए हमारा बटन रेडी हो चुका है, देखिए। चलिए हम बटन को आगे की स्टाइलिंग करते हैं। बटन होवर, यहाँ पर बैकग्राउंड रख देंगे उन्हें कलर रख दिया बैकग्राउंड कलर। अब कलर रखेंगे वाइट, ठीक है। फिर बॉर्डर कर देंगे रेडियस कर लेंगे 5px तक, ठीक है। और बॉक्स शेडो कर लेंगे 3। अब भाई हम बटन को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए बटन इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं बटन को, तो हम इसके स्पैन को स्टाइलिंग करेंगे ताकि एनिमेशन दिखे। डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर ये
डिफिकल्टी है चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस, उसका भी आप टॉप कर लेंगे 0। लेफ्ट कर लेंगे -100%। वेट्स कर लेंगे 100%। हाइट कर लेंगे 2px। फिर बैकग्राउंड डालेंगे या फिर लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि ट्रांसफॉर्म से अच्छा लगे। 90 डिग्री ट्रांसपेरेंट #03 9F4। ये एनिमेशन डाल देते हैं, BTN एनिम 1 सेकेंड लीनियर इनफाइनाइट। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पर की फ्रेम डाल के देखते हैं कि हमारा एनिमेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। की फ्रेम्स BTN, यहाँ पर हमने जो इनहेरिटेंस यूज़ किया चाइल्ड क्लास के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं जीरो परसेंट लेफ्ट -100% -50% 100% और यहाँ पर हम लेफ्ट फेस 100% कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हम एनिमेशन चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ठीक है, यही पार्ट पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं अपन नीचे 3 बार पेस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड क्लास 1 हो गया, यहाँ पर 2 कर लेंगे, यहाँ पर भी 2 कर लेंगे, यहाँ पर भी 2 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 3 कर लेंगे, यहाँ पर भी 3 कर लेंगे और यहाँ पर भी 3 कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 4 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर फर्स्ट में तो ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड में जो सेकंड चाइल्ड क्लास है आपको वहाँ पर टॉप में 100 -100 कर लेना है, ठीक है, परसेंट कर लेना है। फिर यहाँ पर लेफ्ट की जगह राइट कर देना है, राइट करने के बाद यहाँ पर राइट में आपको 0% कर लेना है, ठीक है। वेथ आपको 2px कर देनी है,
हाइट कर लेनी है 100%। ठीक है, हंड्रेड परसेंट कर लेनी है और यहाँ पर एनिमेशन डिले डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर एनिमेशन डिले डाल देना है, कितना, 0.25 सेकेंड्स। ओके, अब चलिए हम सेकंड एनिमेशन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, रुक जाइए, थोड़ी सी तो गड़बड़ है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 180 डिग्री कर लेना है। अब चलिए एनिमेशन को चेक कर लेते हैं, रुक जाइए, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। पर आपको लेफ्ट की जगह आपको कर लेना है टॉप। ठीक है, यहाँ पर भी आपको टॉप कर लेना है। और अब चलिए हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको कर लेना है बॉटम, बॉटम करने के बाद आपका आपको लेफ्ट की जगह राइट कर लेना है। ठीक है, बॉटम 0% कर लेनी है, राइट माइनस 100% विथ 100% कर लेनी है, हाइट को भी 2% और एनिमेशन डिले रख देना है यहाँ पर 0.5 सेकंड्स का, 0.5 सेकंड्स। ठीक है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, राइट कर देना है, यहाँ पर भी आपको राइट कर देना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम फोर्थ पे आते हैं, तो यहाँ पर हम बॉटम कर लेंगे, बॉटम करने के बाद यहाँ पर हम लेफ्ट को कर देंगे, बॉटम कर लेंगे -100%। ठीक है, फिर लेफ्ट को कर लेंगे 0। ठीक है, वेट्स को कर लेंगे 2px, और हाइट को कर लेंगे हम यहाँ पर 100। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर भी आपको एनिमेशन डिले डाल देना है। ठीक है, एनिमेशन डिले डाल देना है आपको 0.75 सेकंड्स का। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, बॉटम कर लेना है। ठीक है, गैस चलिए हम चेक करते हैं हमारा बटन सही से काम कर रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई,
कॉन्फिडेंस 100% का देना है, ठीक है। फिर ये अपने आपको कर देना 100 सेकंड से। सेकंड्स, ठीक है। क्या आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।